हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डिंपल किचन ड्रीम्स में। आज मैं मटर का, हरी मटर का निमोना बनाने जा रही हूँ। जैसा कि अभी सीजन है, ठंड का सीजन है और मटर का सीजन है, तो इस सीजन में इसे बनाना तो बनता है। एक बार जरूर आप हरे मटर का ये निमोना ट्राई करें। ये देसी स्टाइल से मैंने इसे तैयार किया है, ये बहुत ही टेस्टी लगता है और आप जरूर इसे ट्राई कीजिए और कमेंट करके मुझे बताना मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। हरे मटर का निमोना बनाने के लिए सबसे पहले मैंने मटर को अच्छे से धो के साफ कर लिया है, मटर के दानों को। इसको हम थोड़ा सा दरदरा पीस लेते हैं मिक्सी में और थोड़े से दाने, कुछ दाने, बस एक मुट्ठी दाने को बचाकर बाकी ये दानों को हम दरदरा पीस लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने मटर को बिल्कुल दरदरा पीस लिया है जार में और इसी में जो कुछ दाने हमने बचा के रखे थे उसको भी डाल के रख देते हैं और अब बाकी का मसाला रेडी कर लेते हैं। सेम मटर वाले ही मिक्सी के जार में हम कुछ मसालों को पीस लेते हैं। उसमें मैंने लाल टमाटर लिए हैं, दो नॉर्मल साइज के, एक छोटा टुकड़ा अदरक का जिसे मैंने कट कर लिया ताकि पीसने में प्रॉब्लम ना हो, 8 से 9 लहसुन की कलियां, रोस्ट किया हुआ धनिया 1 चम्मच और 2 हरी मिर्च, तीखा अपने अकॉर्डिंग लीजिए। और इसको अब हम सेम मिक्सी के जार में पेस्ट बना लेते हैं। टमाटर की कुछ पीसेस को भी हम बचा के रख लेते हैं। टमाटर का पेस्ट रेडी हो गया है, इसमें बाकी मसाले भी अच्छी तरह से पिस गए। अब आगे का प्रोसेस देखते हैं। आगे की प्रोसेस में फ्रेंड्स, मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया, उसे मस्टर्ड ऑयल में यूज़ कर रही हूँ। इस टाइप की देसी स्टाइल की सब्जी जब आप बनाएं तो मस्टर्ड ऑयल का यूज़ करें, ज़्यादा ही अच्छा टेस्ट आएगा। बाकी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप किसी भी तेल का यूज़ कर सकती हैं। इसके लिए मैंने आलू, एक छोटी साइज की कटोरी में आलू कट करके ले लिया है, छोटे छोटे पीसेस है इसके, बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं है, छोटे भी नहीं, नॉर्मल साइज़ की है। तो तेल जब गर्म हो जाए तो इसमें थोड़ा सा हल्दी डालते हैं और साथ ही आलू डाल के इसे फ्राई कर लेते हैं। आलू अच्छे से फ्राई हो गया है और अच्छे से पक भी चुका है, तब इसे हम किसी बर्तन में निकाल लेते हैं। फ्राई करते वक्त ही मैंने प्रॉपर नमक का अच्छे से टेस्ट आ जाए तो मैंने इसमें थोड़ा नमक भी ऐड किया है। आलू को मैंने निकाल लिया है और बचे हुए तेल में अब हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। लाल मिर्च को तोड़ के डाल देते हैं, एक टुकड़ा तेज पत्ता का, खड़ा जीरा और हींग, एक छोटा चम्मच हींग। मटर की रेसिपी में हींग जरूर डालिएगा। जीरा चटक गया है, अब इसमें जो मटर का पेस्ट हमने रेडी करके रखा था उसे डाल देते हैं। उसके पहले थोड़ा सा हल्दी और साथ में डाल देंगे मटर के दाने और उसका पेस्ट और इसे नॉर्मल फ्लेम में अच्छे से भून लेंगे। नॉर्मल फ्लेम में ही हम मटर के पेस्ट को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल देते हैं। निमोना का टेस्ट डिपेंड करता है आपके मटर पे। आप अगर मटर बिल्कुल फ्रेश और मीठे मटर का यूज़ कर रही हैं तो निमोना ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। अगर बासी मटर है और मटर बिल्कुल मीठा नहीं है तो फिर निमोना उतना टेस्टी नहीं बनेगा। इसीलिए निमोना बनाने के लिए आप बिल्कुल फ्रेश और बिल्कुल मीठे मटर के दानों का यूज़ कीजिएगा। चलिए इसे फ्राई कर लेते हैं। ये बहुत ही डिफरेंट स्टाइल की टेस्टी सब्जी है। आप रोज़मर्रा की आलू मटर की सब्जी, आलू गोभी की सब्जी से बोर हो गए तो डिफरेंट स्टाइल की इस सब्जी को जरूर फ्राई कीजिएगा। ये बहुत ही अच्छी तरह से भून गया, अब इसको निकाल लेते हैं कढ़ाई से बाहर। मटर के दाने को आप दबाकर चेक कर लीजिए कि मटर अच्छी तरह से पक गए। ये अच्छी तरह से दब रहे हैं, मींस ये पक चुका है। अब इसको हम किसी बर्तन में निकाल लेते हैं। मैंने भुने हुए मटर के पेस्ट को निकाल के अलग कर लिया है और फिर कढ़ाई में थोड़ा सा तेल दिया है। अभी ज़्यादा तेल की जरूरत नहीं है, बिल्कुल 1 चम्मच, मैंने छोटे चम्मच से 1 चम्मच तेल का यूज़ किया है। और इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले, जैसे कि थोड़ा सा हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च। फ्लेम को बिल्कुल कम रखना है, नहीं तो मसाले जो है जल जाएंगे। साथ ही जो कुछ टमाटर हमने रखे थे खड़े बचा के, उनको भी डाल देंगे और फिर भून लेंगे। खड़े टमाटर डालने के साथ ही इसमें टमाटर की प्यूरी, अदरक लहसुन का जो पेस्ट हमने रेडी किया था उसको डाल देंगे। खड़े टमाटर डालने के तुरंत साथ ही डाल दें वरना मसाले जो है वो जल जाएंगे। ये खड़े टमाटर जो हमने यूज़ किए वो बहुत ही अच्छा रेड रेड जब पीसेस उसके दिखेंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है लुक। इस वजह से मैंने कुछ इसके पीसेस जो है टमाटर की बचा लिए थे। इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे जैसे जब तक कि ये बिल्कुल अच्छे से कलर ना चेंज हो जाए और कढ़ाई से अलग ना हो जाए, तेल ना अलग हो जाए। मैंने अच्छे से इसे भून लिया है, अभी थोड़ा सा और भूनना है इसको। आप चाहे तो जैसे कि मटर को हमने भून के पेस्ट को अलग कर लिया था उसके बाद बाकी के इंग्रेडिएंट्स डाले थे, आप चाहे तो डायरेक्ट मटर में ही टमाटर की प्यूरी और बाकी के मसाले डाल के भी रेडी कर सकती हैं। बट इस टाइप से अगर आप मटर को भून के अलग कर लेती हैं उसके बाद बनाती हैं तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो मैं तो इसी टाइप को बनाने के लिए सजेस्ट करूँगी।
और अगर डायरेक्ट डाल के आप बनाती हैं थोड़ा इजी हो जाता है मेथड, वो जल्दी बन जाता है। तो ये देखिए भून ही रहा है लगभग, ये भून ही चुका है, इसमें हम डाल देंगे आलू के पीसेस जो हमने फ्राई करके रखे थे उनको डाल देंगे, और साथ ही डाल देंगे मटर का पेस्ट जो हमने भून के रखा था, और इसे हम अच्छे से मिक्स करते हुए भून लेंगे। मटर आलू सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें, और अब थोड़ी फ्लेम को हम कम कर देते हैं, फ्लेम को मैंने बिल्कुल कम कर दिया है, और अच्छे से इसे 3 से 4 मिनट हम पका लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं, जैसे कि आपस में ये बिल्कुल फ्लेवर एक दूसरे से मिल जाए। आप चाहे तो ये काम अच्छे से कवर करके भी कर सकती हैं, लिड से कवर करके, बट ध्यान दीजिएगा नीचे तली में चिपके ना, इसे बीच बीच में चलाते रहिएगा। तो 2 से 3 मिनट इसे अच्छी तरह से हम पका लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं। ये बहुत ही अच्छे से भून चुका है, आपस में मिल चुका है। अब इसमें हम गरम मसाले का पाउडर डालेंगे, बहुत ही थोड़ा सा, बिल्कुल 1 छोटा चम्मच भर के भी नहीं है, उससे भी कम है, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर। और साथ ही आपको जिससे खाना है स्टीम राइस से या चपाती से, जो उसके अकॉर्डिंग उसमें पानी डालेंगे। मैंने 1 कप डाला है, बड़े साइज के कप से 1 कप डाला है, और इसमें डाल देंगे हरा धनिया, और इसे अच्छे से कवर करके हम फिर से पका लेते हैं। और जैसी कंसिस्टेंसी रखी है वो आप ध्यान रखिएगा, उसके अकॉर्डिंग ही पानी का यूज़ कीजिए। तो चलिए इसको पका लेते हैं अच्छे से। हरे मटर का निमोना रेडी है, अब गैस को ऑफ कर लेते हैं और प्लेटिंग रेडी कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हरे मटर का निमोना रेडी है। इस सीज़न आप मटर का कुछ और ट्राई करना चाहते हैं, आलू मटर आलू गोभी के अलावा, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही टेस्टी लगता है स्टीम राइस और प्लेन रोटी के साथ। और कैसी लगी आपको मेरी ये देसी स्टाइल हरे मटर की निमोना, ये बताना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ, बाय बाय।